हेलो फ्रेंड्स, मैं शिरीन आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लंच बॉक्स पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ़ मटन टिक्की कबाब। ये बहुत ही लजीज डिश है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग आपके घर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबाब के लिए हमें चाहिए आधा किलो मशीन का कीमा। उसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन और 1 से 1.5 चम्मच नमक। ये सब को आपको मैरिनेट करना है, मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। अगर आपके पास मशीन का कीमा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ का कीमा अगर आपके पास है तो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड कर लीजिए, हो गया आपका मशीन का कीमा। चलिए अभी हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 3 मिर्ची बारीक कटे हुए, धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ और 1 नींबू का रस और थोड़ा सा नमक। ये सबको एक साथ मिक्स कर लेना है। चलिए अब हम कबाब की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें कीमे के छोटे छोटे बॉल्स लेने हैं, उसको एक कटोरी का शेप देना है और उसमें जो हमने स्टफिंग बनाया है उसको स्टफ़ करना है। इस तरीके से आपको उसको एक कटोरी का शेप दीजिए और जो हमारा प्याज नींबू मिर्ची का स्टफ़ है उसको हम लोग अंदर स्टफ़ करेंगे, स्टफिंग है उसको स्टफ़ कर लेंगे और इस तरीके से हमें उसको पूरी तरह से उसके मुंह को कवर कर लेना है। और एक बार देख लीजिए, इस तरीके से बॉल बनाना है आपको, कटोरी का शेप देना है, जो हमारा स्टफिंग है उसको आपको स्टफ़ करना है और उसको अच्छी तरीके से आप चलिए अभी हम टिक्की फ्राई करने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है एक एल्युमिनियम का तवा, तो उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने दीजिए, उसके बाद उसमें एक एक करके टिक्की डालिए। टिक्की फ्राई करते वक्त फ्लेम को लो से मीडियम फ्लेम में ही रखिए, नहीं तो आपका जो टिक्की का अंदर का मटन है वो ठीक से पकेगा नहीं। 5 मिनट के बाद टिक्की को धीरे धीरे पलटना चालू कीजिए। देखिए कितना अच्छा रंग आया है। इस तरीके से एक एक करके आपको पलटना है और हर बाजू से, हर तरफ से उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अभी ये सब तरफ से फ्राई हो चुका है अच्छे से, अभी हमें इसको प्लेट में निकाल लेना है। लीजिए हमारा टेस्टी टिक्की कबाब तैयार है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये रेसिपी आपको। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए। थैंक यू।